किडनी में अगर 15 से 20 mm के स्टोन्स हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? इस चीज के बारे में समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि किडनी कैसे काम करती है। हमारी किडनी में जितना भी पेशाब बनता है तो वो सारा पेशाब एक बहुत ही पतली पाइप, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उस पाइप से होकर यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है। ये जो यूरेटर रहता है, इनका साइज 1 से 4 मिलीमीटर का होता है। अगर 15 से 20 mm का स्टोन है तो उसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो इसमें दो तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला है RIRS। इसमें हम पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली फ्लेक्सिबल दूरबीन लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पहुँच कर लेजर से स्टोन्स को तोड़ देते हैं। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो वो है शॉकवेव लिथोट्रिप्सी का इस्तेमाल करते हुए किडनी स्टोन्स को तोड़कर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि चीरे से हम कैसे किडनी स्टोन्स को निकाल सकते हैं। तो चीरे वाले प्रोसीजर का नाम है PCNL। इसमें हम कमर के रास्ते से दूरबीन को प्रवेश कराते हैं और उसको किडनी तक लेकर जाते हैं। फिर कमर के रास्ते से ही उस स्टोन को हम तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर यही साइज का स्टोन हमारे यूरेटर में फंसा हुआ है तब क्या ट्रीटमेंट है। अगर यह अपर और मिड पोर्शन यूरेटर में फंसा हुआ है तब RIRS सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिससे कि हम इस स्टोन को निकाल सकते हैं। अगर यही स्टोन हमारे लोअर पोर्शन यूरेटर के अंदर है तब हम इसे URSL से निकाल सकते हैं। अब अगर ये स्टोन हमारा पेशाब की थैली में है तब हम बिना कोई कट लगाए पेशाब के रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन डालकर इस स्टोन को लेजर से तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं। इसे हम सिस्टोलिथोटमी या सिस्टोलिथोट्रिप्सी भी बोलते हैं। ऐसी और यूरोलॉजी से संबंधित वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।